गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम CS 204 बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स के नेक्स्ट ई लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह प्रथम यूनिट पर ही आधारित है, यानी कि जो हमारी यूनिट फर्स्ट है सेमीकंडक्टर एंड पीएन जंक्शन, उसके तीसरे टॉपिक का यह ई लेक्चर है। उस टॉपिक का नाम है इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ जो हम बात करेंगे वह किसके बारे में करेंगे कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पर तापमान का क्या प्रभाव होता है, और इसमें हम बात करेंगे कंडक्टिविटी की। ठीक है, कंडक्टिविटी अर्थात चालकता पर तापमान का क्या प्रभाव होता है, और किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि बाहरी अर्धचालक के बारे में बात कर रहे हैं। अब कंडक्टिविटी अर्थात चालकता, अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूँ तो हमारे पास दो प्रकार के चार्ज कैरियर्स होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर n इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, और इसी प्रकार से होते हैं p, ये किसकी संख्या है, होल्स की। तो दो प्रकार के चार्ज कैरियर्स होते हैं सेमीकंडक्टर पर, सेमीकंडक्टर में, एक तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। यहाँ पर n और p क्या दर्शाए गए हैं, n तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है और p किसकी संख्या है, होल्स की संख्या। तो जो कंडक्टिविटी होती है सेमीकंडक्टर की वो दो इन चार्ज कैरियर्स पर आधारित होती है। अब मैं केवल यहाँ पे बात कर रहा हूँ अगर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, तो अगर आपने पहले के लेक्चर में देखा हो, सुना है या देखा है उसमें, तो आप जानते हैं कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एक आवेश वाहक तो बहुसंख्यक होते हैं और एक आवेश वाहक अल्पसंख्यक होते हैं। इसका कारण होता है उनमें किस प्रकार की डोपिंग की होती है। ठीक है, अगर मैं उदाहरण रूप बात करूँगी एन टाइप सेमीकंडक्टर की, तो वहाँ पर जो मेजॉरिटी में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्यों? क्योंकि एन टाइप सेमीकंडक्टर पंचम वर्गीय अशुद्धियों द्वारा बनते हैं, इस वजह से उनमें एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त होता है प्रत्येक एटम पर। तो इस हिसाब से उसमें मेजॉरिटी यानी कि अधिक मात्रा में कौन से चार्ज कैरियर्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से होंगे, होल्स होंगे। ठीक है, तो अब हमें यही देखना है कि तापमान का प्रभाव क्या पड़ता है कंडक्टिविटी पे। तो देखिए, अगर तापमान बढ़ाया जाता है, इफ़ टेम्परेचर ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, यहाँ मैं बात करता हूँ एन टाइप सेमीकंडक्टर की, क्योंकि एन टाइप क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, और यही केस क्या होता है पी टाइप के लिए भी सामान्य रूप से ही होगा। तो मैं उदाहरण के रूप में लेता हूँ एन टाइप सेमीकंडक्टर, अगर उसका तापमान बढ़ाया जाएगा तो इस अतिरिक्त थर्मल एनर्जी मतलब ऊष्मा ऊर्जा के कारण क्या होगा, चार्ज कैरियर्स उत्पन्न होंगे, यानी कि क्या उत्पन्न होंगे, चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन्स एवं होल्स। ठीक है, और इनके द्वारा कंडक्टिविटी पर प्रभाव पड़ेगा, वो प्रभाव क्या पड़ेगा, आइए चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि क्या प्रभाव पड़ता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी पर तापमान के अनुसार, वो एक ग्राफ के माध्यम से हम देखेंगे। ठीक है, थोड़ा स्टीप ग्राफ है, इसको थोड़ा कर्वेचर में बनाना पड़ेगा, और ये हो गया हमारा ग्राफ। ठीक है, तो देखिए इसमें तीन पॉइंट की बात करूंगा मैं, ये जो एक्सिस है ये है आपकी टेम्परेचर एक्सिस। ठीक है, और टेम्परेचर क्या है, डिग्री केल्विन में। ठीक है, और ये आपकी कंडक्टिविटी एक्सिस है, और कंडक्टिविटी यूनिट क्या होती है, ओम सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, और तापमान किस चीज़ में लिया गया है, डिग्री केल्विन में। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्या पॉइंट हैं, एक यहाँ पे एक बिंदु और होता है,
ये सिग्मा मिनिमम, और याला जो बिंदु है आपका वो होगा सिग्मा मैक्सिमम, ठीक है। और ये तापमान होगा आपका 300 डिग्री केल्विन, ठीक है। और इस तापमान को क्या कहेंगे जो हमारे यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये कहलाएगा टीसी, ठीक है। ये तापमान आपका कहलाएगा टीसी। तो ये इस प्रकार से तापमान के अनुसार आपके कंडक्टिविटी में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे दो पॉइंट हैं, देखिए, एक तो याला अधिकतम बिंदु जिस पर हमारे कंडक्टिविटी का मान क्या है, अधिकतम है, और उस समय तापमान क्या रहा है 300 डिग्री केल्विन। और उसी प्रकार से एक बिंदु है यहाँ पर टीसी अर्थात क्यूरी टेम्परेचर, टीसी अर्थात क्यूरी टेम्परेचर। तो क्यूरी टेम्परेचर पे क्या होगा, कंडक्टिविटी न्यूनतम रहेगी, और इस क्यूरी टेम्परेचर के पश्चात कंडक्टिविटी का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो इसको समझने के लिए आइए चर्चा करते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। तो ये जो आपका है, ये कंडक्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर कर्व है, ठीक है। तो इसके बारे में आइए चर्चा करते हैं। देखिए, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो मैंने आपको बताया कि कंडक्टिविटी किस पर निर्भर करती है, चार्ज कैरियर्स पर, ठीक है। तो चार्ज कैरियर्स किस प्रकार से निर्भर करती है, कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। उसका सूत्र क्या होता है, एन क्यू, और यहाँ पर आ जाएगा म्यू एन, और उसी प्रकार से पी क्यू म्यू पी। देखिए, यह सेमीकंडक्टर के लिए कंडक्टिविटी का सूत्र है। इसमें क्या होगा, देखिए, आप जानते हैं कि सेमीकंडक्टर के में दो प्रकार के चार्ज कैरियर्स होते हैं। यहाँ पर एन क्या है, एन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है, और उसी प्रकार से ये जो पी है वो क्या है, पी आपकी होल्स की संख्या है, ठीक है, पी आपकी होल्स की संख्या है, ठीक है। और बाकी दो चीज़ें जैसे क्यू क्या है, चार्ज है, आवेश का मान, यानी कि उसका मान हम जानते हैं क्या होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। और यहाँ पर म्यू एन और ये म्यू पी, ये दोनों कहलाती हैं मोबिलिटी, क्या कहलाती हैं, मोबिलिटी। ये तो होगी इलेक्ट्रॉन की अगर म्यू एन की बात करूँगा, और म्यू पी किसकी होगी, होल्स की। तो यह कंडक्टिविटी का सूत्र होता है। अब देखिए, एन क्यू म्यू एन और पी क्यू म्यू पी, तो यह इसका कंडक्टिविटी का सूत्र है। अब जैसे तापमान बढ़ाया जाएगा तो इस पर क्या असर पड़ेगा, कंडक्टिविटी का, चार्ज कैरियर की संख्या बढ़ेगी तो आपकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। और वो किस अनुसार बढ़ेगी, आइए बात करते हैं। जैसे ही आप तापमान बढ़ाएंगे तो चार्ज कैरियर की संख्या बढ़ेगी। उदाहरण के रूप में अभी ले लेते हैं कि एन का मान आपका कितना है, 10⁸ प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। उसी प्रकार से पी का मान कितना है, 10⁻² प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। यानी कि जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो प्रति वॉल्यूम होते हैं, पर वॉल्यूम, और ये 10⁸ इनकी संख्या है, और पी की भी संख्या 10⁻² है। अब देखिए कितना अंतर है, क्योंकि यहाँ एन टाइप की बात कर रहा हूँ, तो देखिए, अगर मान लीजिए हम तापमान में वृद्धि करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का मान भी बढ़ेगा और होल्स का मान भी बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा, इनडायरेक्टली आपकी कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, यानी कि तापमान बढ़ाने पर कंडक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है चार्ज कैरियर्स की संख्या में वृद्धि होने पर। मान लीजिए दोनों की संख्या वृद्धि हो रही है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको ज़्यादा दिखेगी और होल्स की संख्या कम दिखेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से कंडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। अब तापमान की बात करते हैं, उस कर्व की बात करते हैं, तो उस कर्व में क्या है, तीन हमारे पास कंडीशन है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, टी इज इक्वल्स टू
जीरो डिग्री केल्विन पर, ठीक है, टी इज इक्वल्स टू जीरो डिग्री केल्विन पर कोई भी चार्ज कैरियर मुक्त रूप से हमें हमारे पास उपलब्ध नहीं होगा, यानी कि फ्री चार्ज कैरियर्स फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होने की वजह से जो सेमीकंडक्टर है वो कैसे व्यवहार करेगा, इंसुलेटर की तरह, ठीक है, यानी कि टी बराबर जीरो डिग्री केल्विन पर सेमीकंडक्टर चाहे वो इंट्रिंसिक हो या एक्सट्रिंसिक हो वो किसकी भांति व्यवहार करेगा, इंसुलेटर की भांति व्यवहार करेगा, ठीक है। जो कि हमारे पास इस कर्व में दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं कि जो कंडक्टिविटी है बिल्कुल शून्य के बराबर है, यहाँ देख सकते हैं शून्य के बराबर है, तो टी बराबर जीरो डिग्री केल्विन पर आपका जो सेमीकंडक्टर है वो एज ए इंसुलेटर बिहेव करेगा। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जब तापमान जीरो डिग्री से यानी कि जीरो डिग्री केल्विन से और अधिक हो परंतु 300 डिग्री केल्विन से कम हो, तो इस केस में क्या होगा, जो आपका कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि तापमान बढ़ाने के साथ आपकी कंडक्टिविटी क्यों बढ़ रही है, N की संख्या और P की संख्या बढ़ रही है, तापमान बढ़ाने की वजह से N और P यानी कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की संख्या बढ़ रही है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपकी कंडक्टिविटी का मान भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये तो केस हो गया हमारा 0 डिग्री से 300 डिग्री केल्विन पर, जो कि आपको यहाँ पर प्रदर्शित है, आप देख सकते हैं कि इस वाले जो कर्व में आप देख सकते हैं जो ये कर्व है वो इंक्रीजिंग मोड में है यहाँ पर 0 से 300 डिग्री केल्विन के लिए, ठीक है। तो आइए अब बात करते हैं जो 300 डिग्री केल्विन से अधिक क्या होगा, ठीक है। जो हमारा तीसरा केस है वो है टी बराबर 300 डिग्री केल्विन, ठीक है। तो इस वक्त पर क्या होगा, जो आपकी कंडक्टिविटी है अधिकतम मान पर पहुंच जाएगी, मैक्सिमम, यानी कि अब जो चार्ज कैरियर की संख्या बढ़ेगी पर उसके पश्चात कंडक्टिविटी का मान बढ़ेगा नहीं, उसका कारण क्या होगा, क्योंकि N का मान भी बढ़ा चुके हैं और P का मान भी बढ़ रहा है तापमान के साथ, परंतु इतना ज़्यादा संख्या में चार्ज कैरियर्स का मान बढ़ चुका है तो वह फ्रीली मोबाइल यानी कि पूर्ण रूप से फ्रीली मोबाइल नहीं है, यानी कि इतनी ज़्यादा संख्या में चार्ज कैरियर्स बढ़ने की वजह से जो चार्ज कैरियर्स की मोबिलिटी है वह यानी कि चार्ज कैरियर्स आसानी से मूव नहीं कर पा रहे हैं, तो कंडक्टिविटी उसकी वजह से इससे अधिक नहीं बढ़ पाएगी, यानी कि हम तापमान अगर 300 डिग्री केल्विन के पश्चात बढ़ाएंगे तो जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज़ होगी, यानी कि 300 डिग्री केल्विन पर जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी है वो अधिकतम होगी, यानी कि जो सिग्मा मैक्स यानी कि उसका मान अधिकतम होगा। अब इसके बाद बात करेंगे हम चौथा और आखिरी केस, हाँ इससे पहले एक और बात कर लेते हैं, 300 डिग्री केल्विन के बाद जो उसका मान हो जाएगा अधिकतम हो जाएगा कंडक्टिविटी का, और उसके पश्चात जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज़ होना प्रारंभ करेगी, उसका कारण क्या था, देखिए इतनी ज़्यादा संख्या में जो चार्ज कैरियर्स बढ़ने की वजह से जो मोबिलिटी है उसकी, क्योंकि एक तो इलेक्ट्रॉन और होल्स इनकी संख्या इतनी अधिक हो गई कि जो अब ये जो चार्ज कैरियर्स हैं
वो फ्रीली मूव नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि जो चार्ज कैरियर्स की मोबिलिटी इतनी ज़्यादा कारगर नहीं हो पा रही है, इस वजह से क्या हो जाएगा, आपकी कंडक्टिविटी अधिकतम हो जाएगी और उसके बाद जब कंडक्टिविटी का मान कम होने लग जाएगा, यानी कि 300 डिग्री केल्विन के पश्चात चार्ज कैरियर्स की संख्या अधिक होने के कारण जो मोमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स है वह फ्रीली नहीं हो पाती, यानी कि मुक्त आवेशवाहक मुक्त रूप से उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, इस कारणवश कंडक्टिविटी का मान घटने लगता है। और यह कब तक घटेगा, टीसी तक, जिसे हम क्यूरी टेम्परेचर कहेंगे। क्यूरी टेम्परेचर, टीसी अर्थात क्यूरी टेम्परेचर तक इसका मान घटता चला जाएगा। अब देखिए क्यूरी टेम्परेचर पर क्या होगा, क्यूरी टेम्परेचर यानी कि टीसी तक इसका मान घटता चला जाएगा, उसके पश्चात क्या होगा, तो जो पांचवा केस है वह है टी ग्रेटर देन टीसी। ठीक है, तो देखिए इस केस में क्या होगा, जो आपके आवेशवाहक हैं टीसी पर, या टीसी, मैं टीसी की बात कर लेता हूं पहले, केवल केवल टीसी की, जैसे टी ग्रेटर देन 3 डिग्री केल्विन के पश्चात टीसी तक तो क्या था, आपके कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रही थी। अब टीसी तक, टीसी पर क्या होगा, देखिए जैसे जो चार्ज कैरियर्स की जो संख्या है वो काफ़ी बढ़ चुकी है, और इस समय पर क्या होगा, जो N और P की संख्या बराबर हो जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या तथा होल्स की संख्या बराबर हो जाएगी, अर्थात मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इक्वल्स टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हो जाएंगे, अर्थात जो आपका एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था वो आप किस में बदल जाएगा, इंट्रेंसिक में। ठीक है, तो एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में परिवर्तित हो जाएगा, अर्थात क्यूरी टेम्परेचर पर जो सेमीकंडक्टर था वह एक्सट्रेंसिक से इंट्रेंसिक में पहुंच गया। उसका कारण क्या हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की संख्या बराबर हो गई। इसका कारण यह था कि इलेक्ट्रॉन की संख्या भी तापमान के साथ बढ़ रही थी और साथ ही साथ होल्स की भी बढ़ रही थी, पर जो होल्स की जो संख्या में वृद्धि थी वो हमारे लिए क्या बोलते हैं, जिसका मान उल्लेखनीय था, क्योंकि अगर मान लीजिए आप 100,000 में एक संख्या बढ़ाएंगे तो वह एक प्रकार से नगण्य बदलाव होगा, परंतु अगर एक में आप एक जोड़ देंगे तो 2 के बराबर हो जाएगा। तो होल्स की संख्या इस वजह से बढ़ती हुई ज़्यादा दिख रही थी, और इस वजह से इलेक्ट्रॉन एवं होल्स की संख्या बराबर हो गई टी बराबर टी सी पर, जिस वजह से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक में चेंज हो गया। और इसके पश्चात अगर हम तापमान बढ़ाते हैं, यानी कि टी का तापमान या तापमान का मान क्यूरी टेम्परेचर से अधिक करते हैं, तो उसके पश्चात इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम जानते हैं कि कंडक्टिविटी का मान बढ़ेगा। यानी कि इस डायग्राम के अनुसार देखें तो यानी कि क्यूरी टेम्परेचर के पश्चात वह पुनः सामान्य रूप में व्यवहार करेगा, यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो है कंडक्टिविटी है वह तापमान के अनुसार बढ़ती है। तो इस प्रकार से तापमान के अनुसार कंडक्टिविटी में परिवर्तन होता है। तो ये था आज का हमारा ई लेक्चर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। धन्यवाद।